हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ जैन नर्सरी इंडोर प्लांट्स। आज हम बात करेंगे अरिका पाम प्लांट्स के बारे में। अरिका पाम प्लांट्स जो हैं, इनकी लाइफ होती है 10 ईयर्स की, अगर हम इसे अच्छे से मेंटेन करें। पर लोगों की शिकायत ये होती है कि ये लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम इन नर्सरी से घर लेकर आते हैं तो इनमें ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये ब्राउन होने लग जाते हैं, इनकी लीव्स येलो होने लग जाती है। अगर आपके प्लांट्स की लीव्स अगर येलो और ब्राउन हो रही है, दैट मीन्स आप उनको प्रॉपर अच्छी कंडीशंस नहीं दे रहे जो कि इन्हें चाहिए होती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स अरिका पाम प्लांट्स के बारे में। पहले जो ये जो प्लांट होता है ना, इसकी ये इंडोर प्लांट्स हैं, तो अगर हम इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो उनकी स्पेशलिटी देख के लगाते हैं। जो ये अरिका पाम प्लांट होता है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये आपके घर की एयर को प्योरीफाई करता है। अगर आपके घर में साइनस का कोई पेशेंट है या फिर किसी पेशेंट को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है तो ये प्लांट बहुत अच्छा है उसके लिए। जो ये प्लांट होता है ये 24/7 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। स्नेक प्लांट जो होता है उसके बाद ये अरिका पाम प्लांट ऐसा होता है जो 24/7 आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर आपके अरिका पाम प्लांट की लीव्स अगर ब्राउन हो रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो आप उसमें ज़्यादा पानी दे रहे हैं या बहुत कम पानी दे रहे हैं, या फिर इस पर जो सनलाइट आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर फर्टिलाइज़र कम है, इसकी वजह से इसकी जो लीव्स हो रही हैं वो ब्राउन हो रही है। अगर आपके अरिका पाम प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही है तो मतलब ये है कि आप उसको जो सनलाइट हो रही है वो लो हो रही है, इसकी लो सनलाइट मिल रही है, लो वाटर मिल रहा है। जो अरिका पाम प्लांट होते हैं ना, इसमें क्या चाहिए होता है इसको कि इसको जो है इनको डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनको ब्राइट लाइट की जरूरत होती है। तो इसको हम कहीं पे भी रखें, घर के किसी भी कोने पे, हमें ये मेक श्योर करना है कि जो लाइट आए वो इनके पास फिल्टर्ड आए, और ब्राइट लाइट आए लेकिन फिल्टर्ड आए, डायरेक्ट लाइट ना आए। अब जो हम इसको जब वाटरिंग का बात आती है तो हमें इसको वाटर कैसे देना है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसको अब पानी देने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि जब हमारे इसकी जो प्लांट है इसकी जो सॉइल है 1-2 इंच तक अगर ये ड्राई होती जा रही है, सूखती जा रही है, प्रॉपर सूखी नहीं, ड्राई होती जा रही है, तो हमें इसमें पानी देना। पूरा प्रॉपर सूखने के बाद तो इसकी जो ये जो आपका प्लांट है ये मुरझाने लग जाएगा। तो अगर हमारे ये जो सॉइल है ये 1-2 इंच अगर हमारे पास ये सूखती जा रही है तो हमें इसमें प्लांट में पानी देना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको लेकर आते हैं, हम इसको शिफ्ट करते हैं, तो इसके जो रूट्स हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है, हो सके तो अगर हम किसी नर्सरी से प्लांट ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें पॉट में प्लांट मिल रहा है तो हम पॉट में ही लें, ताकि उसको शिफ्ट करते टाइम उसकी जो रूट है वो डैमेज ना हो। जब हम इसको लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जो पॉट होगा वो 10-12 इंच का होना चाहिए, और इसको ध्यान लगाते टाइम हमने जो 1-1.5 इंच हम उसमें नीचे गार्डनिंग सॉइल लगाएंगे और उसके बाद ये लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको पॉट में शिफ्ट करने के बाद 1-1.5 इंच का ही डिफरेंस आए। और जब हम इसमें लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारी गार्डनिंग सॉइल होनी चाहिए और जो कंपोस्ट होना चाहिए उसका मिक्सचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो गार्डनिंग सॉइल होनी चाहिए वो हमारे पास 75-80% होनी चाहिए, और जो कंपोस्ट होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए 20-25%। और जो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास फर्टिलाइज़र की बात आती है तो फर्टिलाइज़र हमें ध्यान रखना है इसमें 50-60 दिन में 10 दाने DAP के इसमें डाल देने हैं। ये जो प्लांट है ये बहुत सुंदर है देखने में, बहुत इजीली मेंटेन है, बस ये कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं। आप इसको घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, ये इंडोर प्लांट है। बस ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना आए, फिल्टर्ड लाइट आए, ब्राइट लाइट आए, और ये आपके घर को एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी वाइब देगा, बहुत काम करेगा। आपके घर में अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है हो रही है किसी को, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बस इसको इसकी प्रॉपर कंडीशन के साथ आप इसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए यूज़फुल होगी, और इसे देखने के बाद अब आपको अरिका पाम प्लांट अपने घर के अंदर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।